हाँ दोस्तों, अभी हमको इस जोड़ा हुआ इसके ऊपर हमको बिठाना है कैनन पिनन। कैनन पिनन बिठाने का तरीका ऐसा है, इसको पहले इसमें डालिए। मैंने इसमें ये बिठाने से पहले यहाँ के पोजीशंस का मार्क किया था, उसी हिसाब से इसको मार्क करना पड़ेगा। उससे पहले देख लेना था कि बराबर ये 12 बजे की ये स्ट्राइकिंग, ये काटा जो है 12 के हिसाब से सही है, क्योंकि इसके कट में बैठना है। दूसरा जो है, इसको हमको हल्का सा दबा के फिर उसके बाद हमको ये करना है, इसके हिसाब से इसको बिठाना है। इस तरह इसमें डाल के इससे पंच करके इसको इस तरह ठोक के इसको इस तरह ठोकना पड़ेगा। फिर भी इसमें ज़्यादा गैप है, इसकी गैप कम करना पड़ेगा। इस तरह इसको रखिए, इसको और थोड़ा ठोकिए। ये हो गया, अभी नीचे तक आ गया है। अभी थोड़ा सा हल्का सा प्ले है, बस उतना रहना ज़रूरी है। अभी हमको ये देखना है क्या हमारा ये सही बैठा है। बराबर, और यहाँ का सही है क्या? अभी ये कैसे देख सकते हैं? अभी उसके बाद हमको ये चीज़ बिठाना है, इसको यहाँ पे बिठाएंगे हम लोग। ये इस तरह बैठेगा, इसमें बैठेगा। ओके, अभी ये दोनों का प्ले हम लोगों को गेम देखना है कि ये जब भी घुमाएंगे काटा तो ये इस चीज़ को उठाएगा इस तरह, और करेक्ट ये हाफ एन आवर के टाइम पे वो गिरेगा, या इधर पूरे आवर के ऊपर ये गिरना चाहिए। ये नहीं, ये नहीं, ये गिरना चाहिए। इसमें थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो रहा है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे, मैं अभी, ये भी सही हो गया है। अभी हमको करना है इसका आवर व्हील का फिटिंग करना है। मिनट व्हील का फिटिंग हो गया इसके ऊपर, इसके ऊपर आएगा ये आवर व्हील का फिटिंग, ये आवर व्हील का फिटिंग। आवर व्हील में अभी हमको क्या देखना है कि ये सीधा करेक्ट 12 बजे के हिसाब से वो बैठेगा या नहीं बैठेगा, ये देखना है। ये कम है, इसको खाँचे पे बराबर बैठना ज़रूरी है। अभी हम इसको अगर इसमें हमको इसके हिसाब से इसको इस तरह रखें, हमको अभी बाकी का चीज़ फिट करना है। एक और ये दो, एक पट्टी है जिससे ये इसको रिटेंशन मिलती वो, और उसके ऊपर ये स्क्रू बैठेगा। ये स्क्रू इसमें बैठाएंगे और उसको टाइट करने के लिए एक हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, वो लेते हैं पतला वाला। ये भी चलेगा, ये स्क्रू ड्राइवर से इसको इस तरह पट्टी हाथ में पकड़ कर ये स्क्रू इसमें बिठाएंगे।
ये देखिए स्क्रू बैठ गया। अभी इसको इस तरह खींचेंगे थोड़ा सा और इसको कस देंगे ताकि ये जो है इस तरह गिरे और ये इस तरह काम भी करे। इसको उठाने पे ये गिरे और ये इस तरह काम करे। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये देखना है इसको थोड़ा टाइट करके ये पकड़ से थोड़ा इसका नट हम टाइट करेंगे क्योंकि हमको दो चार पॉइंट मार के अभी देखना है कि कहाँ ये कैसे चल रहा है। दो तीन चार अभी हम इसको गिराएंगे। ये जहाँ का वहीं है, इसका मतलब इसको हमने इसको अभी बिठाया नहीं है। क्या बिठाया नहीं है, इसका काउंटर बिठाना बाकी है। इसका काउंटर होता है ये चीज़ है काउंटर। इसका काउंटर यहाँ पे हमको बिठाना है। ये बिठा के इसको सही ढंग से बिठाना है। ये पैरेलल आते हैं इसके हिसाब से। इसको हल्का सा प्रेस कर लीजिए। इसको आहिस्ता आहिस्ता बिठा के इस तरह रख के हल्का सा इससे इस तरह बिठाइए ताकि हमको ये काम कर रहा है या नहीं चलेगा, हमको पता चलेगा ये काम कर रहा है या नहीं पता चलेगा। अभी ये हो गया इसका फिटिंग का काम। अभी क्या करना है, अभी हमको इसको ट्रू करना है। इसको इस तरह पकड़िए, इसको इस तरह पकड़ में लेके इसके पोजीशन में यूँ लाना है और थोड़ा आएगा ये पट्टी के पैरेलल में वो आना चाहिए। अभी इसको हम थोड़ा हटाते हैं। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ये बारह, ये बारह यानी इसमें अभी सही ढंग से बारह बज चुके हैं। मतलब ये अभी तक जो है ये अभी इस वक्त ये करेक्ट स्ट्राइक दिखा रहा है। अभी हमको हैमर फिट करने से पहले अभी हमको इसको और दो चार वाइंड मारना पड़ेगा क्योंकि हमको चेक करना है आगे का तीन घंटे साढ़े बारह एक दो तीन भी हमको चेक करना है। अभी इस तरह पकड़ के हम लोग इसको घुमाएंगे। ये रहा साढ़े बारह, ये बजा इसके बाद बजना है एक दो दो बजा अभी ढाई अभी तीन बजना चाहिए।
एक दो तीन, तीन बज के ये करेक्ट रुका है अभी 3 बजे पे। इसका मतलब हमारा जो है इसका फिटिंग करेक्ट है। अभी हमको क्या करना है, इसको एक सी लॉक लगाना है। ये सी लॉक है, यहाँ पे सी लॉक लेंगे और इसमें लगाएंगे। सी लॉक लगाएंगे इस तरह पकड़ से, कोई बात नहीं। ये बैठ गया सी लॉक। इसका मतलब ये अब ये आवर व्हील को यहाँ से हिलने नहीं देगा। ओके, ये हो गया है एक। अभी इसके ऊपर इसको हम ये नट लगा के रखेंगे ताकि ये डिफरेंस ना आए। अभी हमको इस बाजू में क्या क्या करना है, इस बाजू में अभी हमको ये कंप्लीट करना है। इसका ये लीवर है, लीवर को हमको खोलना है। इसका भी लीवर खोलना, ये स्क्रू खोलना है। दोनों स्क्रू खोल के अभी हमको इसको बाहर लेना है। बाहर लेके इसको अभी हम क्या करेंगे, इसमें से इसको डालेंगे और इसको इसमें बिठाएंगे। ओके, इसको बिठाने में थोड़ा दिक्कत है, इसका थोड़ा गैप बढ़ाना पड़ेगा। ये काफ़ी टाइम से इस्तेमाल किया हुआ नहीं है, इसको थोड़ा गैप बढ़ाएंगे। तो अभी ये जो है, ये जो चीज़ है इसमें बड़े आसानी से बैठ जाएगा। इस तरह इसके इसका एक होल है, इसका एक होल है, दोनों को हमको इसको मैच करना है। इस तरह मैच करके अभी इसमें हमको एक ये पिन डालना है। इसमें पिन बिठाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये बार बार निकल जाएगा पेंडुलम के वजन से। इसको इसका होल अलाइन कर लेने का है, ये दोनों सही हैं। और इसको इस तरह पकड़ के इसको हमको ये पकड़ से इसको इस तरह करने से इसका होल अलाइन हो जाता, इसमें ये आ गया। देखिए इस तरह बैठना है। इसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल के यहाँ से इसको इस तरह बिठाएंगे। अभी ये पहले जैसा बैठा है, अभी इसको हम यहाँ पे इसके साथ बिठाएंगे। इस तरह लेके आके इसके पोजीशन में बिठा के इसके क्या क्या थे, स्क्रू और दो वॉशर थे। ये दो वॉशर है। ओके, यहाँ पे ये है। अभी इसको हम लॉक करेंगे। कैसे करेंगे, अभी इसको एक वॉशर और ये लेंगे स्क्रू। इसको एक हाथ से थोड़ा ऊपर पकड़ेंगे, एक साइड में इसको पहला फिट करेंगे। ये बैठ गया, पूरा टाइट नहीं हुआ है, कम हुआ है। ये दूसरा वॉशर लेंगे,
दूसरा स्क्रू लेंगे, यहाँ पे डाल के इसको बिठाएंगे। दोनों गिर गया, कोई बात नहीं, इसी में होगा, यहीं पे है। और इसको थोड़ा कस लेने से थोड़ा सा गैप मिलेगा, वो गैप से हम इसको फिट कर सकते हैं। इस तरह पकड़ के इसको घुमाना है, देखें इस तरह ये हो गया। अभी इसके लेवल ट्रू करना है हमको, इस तरह ऊपर उठा के इसको हल्का सा इस तरह इसको ट्रू कीजिए, इसको इस तरह से ऊपर उठा के हल्का सा टाइट करना है। और यहाँ से देखना है ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये शायद आप लोगों को दिख रहा नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, एस्केप व्हील की तरफ ध्यान दें, इसको एस्केप व्हील बोलते हैं, यहाँ पे है उसको। अभी हम ध्यान देने से, यूँ करने से चल रहा है या नहीं चल रहा है आप देख सकते हैं। और इसका स्विंग का जितना है, 60% स्विंग होता है या नहीं होता, वो हमको चाबी देके देखना पड़ेगा। फिलहाल तो इस तरह इसको हम टाइट करेंगे। ताकि ये पोजीशन में रहे, ये यहाँ तक ये रेडी हो गया। अभी हमको क्या बाकी है, अभी हमको ये हैमर फिट करना है। उसका एक पिन है यहाँ पे। अभी हैमर कैसे फिट होता है इसको देख लीजिए। हैमर जो है, ये हैमर को यहाँ पे एक खड्डा है, इस तरह इसको अलाइन करके इसमें डाल के आपको फिट करना है। इस बाजू से या इस बाजू से आप उसको पिन डाल सकते हैं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोनों बाजू से भी पिन डाल सकते हैं। इसको एक खड्डा है, उसको हमको अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको इसमें से देख के अलाइन करना पड़ेगा, करेक्ट है या नहीं। इसको थोड़ा हल्का सा मारेंगे, इसको अलाइन करना है। ये होल अलाइन कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं है। ये पिन बैठाने के लिए इसमें जो होल है उसकी अलाइनमेंट कर रहे हैं, और कोई काम नहीं। ये होल अलाइन हो रहा है, इसको हल्का सा मारिए, और एक हल्का मारिए, और एक हल्का मारिए, इस तरह पकड़ के और एक हल्का मारिए। इसमें क्या होता है, यह होल का अलाइनमेंट आ जाएगा। अभी यहाँ से इसको पिन डालना है, पिन डालने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि जगह कम है, काम जरा देख के करने वाली चीज़ है। इसको ज़्यादातर प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा, फिर भी हम मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैंने क्या किया, हाँ आप लोगों को उसको आपको देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ जाती है। प्रैक्टिकल के लिए आपको कभी ना कभी उस्ताद के पास आना पड़ता है। ओके okay?